एक बार वीजा लग जाए उसके बाद ताड़ लेना। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब बिल्कुल तबाही होने वाली है क्योंकि सॉन्ग आ चुका है ड्रॉप टू, जिसके लिए इतना वेट था। मतलब जब से ड्रॉप वन आया था और डंकी जो इस साल पूरे फुल चर्चे में रही है, भाई ड्रॉप टू के लिए बहुत वेट था। फर्स्ट सॉन्ग ऐसे निकाल देंगे इतनी ताबड़तोड़, मतलब मजा आ गया। क्योंकि देखो अरिजीत दा ने जो गाया है उनकी आवाज़ भाई जादू है। पहले ही जब स्टार्ट हुआ उनका गाना मजा आ गया। देन उसके बाद म्यूजिक, प्रीतम दा का म्यूजिक ऑसम म्यूजिक है यार, बहुत ही प्यारा म्यूजिक है। अभी बातें करेंगे कि पूरा सॉन्ग कैसा है। इस सॉन्ग से मतलब ड्रॉप टू से कहानी में और क्या होने वाला है थोड़ा कुछ रिवील करते हैं, मतलब कुछ पता लगा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर जरूर रहना, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, वो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब शाहरुख खान बिल्कुल तबाही में चल रहे हैं और थर्ड हैट्रिक, देखो दो इंस्टॉलमेंट उन्होंने पूरी कर दी है 1000 करोड़ के साथ, पठान और जवान। डंकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है उनके करियर की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करियर को एकदम स्टार लगाने की। भाई साहब ऐसा स्टारडम इस बार बनने वाला है इनका, बिल्कुल अनबीटेबल स्टारडम बनने वाला है जो कोई नहीं तोड़ पाएगा आने वाले 10 साल में। भाई इनके जैसा कोई कर भी नहीं पाएगा। एक साल में जबरदस्त हिट पे हिट मूवी, सिर्फ सिंपल हिट नहीं ब्लॉकबस्टर हिट मूवी। पठान और जवान को तो हम देख चुके हैं, डंकी की जो तबाही देखने को मिलेगी भाई साहब वो हम ड्रॉप वन टीजर में देख चुके हैं और आज जो सेकंड सॉन्ग आया है उसमें देख चुके हैं, क्योंकि सॉन्ग दमदार है। देखो इसमें भी फनी मोमेंट डालने की कोशिश करी, जैसे पिछले एक आध वीडियो में मैंने बोला था कि ठीक है ड्रॉप टू में हमें गाना देखने को मिलेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ अपनी कहानी से रिलेटेड, मतलब स्टोरी लाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर डाल देंगे। तो वो एक वो अखाड़े वाला सीन जो तापसी पन्नू को वो सिखाता है, मतलब दंगल लड़ना जो भी है, उसके बाद वो थप्पड़ मारती है उसको, अब पट पे मार, मोटे पे मार, चमेट मार। एक फनी मोमेंट है, कॉमिक टाइमिंग है, अच्छी खासी है। तो इसको देख के लग रहा है कि भाई साहब फनी मोमेंट तो बहुत ज्यादा मिलने वाला है, और कब तक मिलने वाला है, इंटरवल तक। देखो अभी तक टीजर वन में हमें क्या देखने को मिला था, ड्रॉप वन में सिर्फ इंटरवल से पहले तक की कहानी देखने को मिल रही है, ड्रॉप टू में सॉन्ग में भी सिर्फ इंटरवल से पहले तक की ही कहानी देखने को मिल रही है। इंटरवल तक की क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो मूवी के दो फेस होने वाले हैं, एक तो वो जो लंदन जाने के लिए वीजा वगैरह जो भी हथकंडे अपनाएंगे, और एक वो जो बीच में जर्नी होगी, एंड देन लास्ट सिनेरियो लास्ट फेस वो होगा जब वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद जब वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो उन्हें वापस आना है। तो उसके बारे में अभी नहीं दिखाया गया है, उसके बारे में अभी रेस्ट ऑफ द ड्रॉप्स जो बाकी हैं ड्रॉप 3, 4, 5, 6 उसमें होगी जरूर बात। लेकिन भाई साहब ड्रॉप 2 की बात करते हैं, लुटपुट गया सॉन्ग की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ना ये। अभी देखो फुल ट्रेंड पे चलने वाला है, रील्स इस पे बनने वाली है, क्योंकि डांसिंग स्टेप गणेश आचार्य जी ने जो कोरियोग्राफी करी है इसमें डांसिंग की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डांसिंग है। तो ये चीज़ देखो ना सूट भी करती है, क्योंकि शाहरुख खान हम सभी जानते हैं कि भाई साहब वो एक ऐसे मैच्योरिटी के लेवल पर है, एक ऐसी एज पर है जहाँ उनको ये सिंपल स्टेप ही जमेंगे। लाइक जवान में हमें क्या देखने को मिला था यार, वो छपरी वाले डांसिंग स्टेप हमें देखने को मिले थे, है ना। वो जिंदा बंदा सॉन्ग्स में हो गया, तो जिंदा बंदा सॉन्ग में भाई छपरी बना दे रहे हो आप शाहरुख खान को, तो वो बिल्कुल मैचअप नहीं खाया था, दैट्स वाई कि वो सॉन्ग इतने ज़्यादा हिट नहीं भी हो पाए थे। लेकिन डंकी के ये सॉन्ग फाड़ने वाले हैं, क्योंकि लिरिक बहुत प्यारी है, अरिजीत दादा ने जो गाया है बड़ा प्यारा गाया है, प्रीतम दा का जो म्यूजिक है बहुत ही औसम है, उसमें से 4 चांद और लगा रहे हमारे गणेश आचार्य जी की डांसिंग कोरियोग्राफी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाली है। सिंपल है, अच्छी खासी है, जो रील्स में भी अच्छी खासी ट्रेंडिंग पे जाएगा ही जाएगा। तो इंटरवल से पहले तक की कहानी ही क्यों दिखाई जा रही है इस पे, भाई साहब देखो वीजा लगने वाली जो बात है ना, लास्ट में तापसी पन्नू क्या कहती है, जब वो दोनों लोग गुरुद्वारे में होते हैं और वहाँ पर शाहरुख खान उसे लगातार टकटकी बांध के जो ताकते रहते हैं, वो कहती है कि भाई साहब पहले वीजा कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद जो भी होगा आगे देखिए। ताड़ना बंद करो जी, एक बार वीजा लग जाए उसके बाद ताड़ लेना। तो फिलहाल अभी तक तो फर्स्ट हाफ की ही कहानी दिखाई जा रही है ना, जैसा कि वादा करा गया था कि ड्रॉप 6 आने हैं, 4 ड्रॉप और बचे हैं। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ ड्रॉप 2 दमदार आया है, ड्रॉप 1 टीजर बड़ा सॉलिड आया था, गाना बड़ा प्यारा है। आप लोगों को कैसा लगा, भाई मैं शुरू करने से पहले ही 3-4 बार देख चुका हूँ, अभी फिर देखने जा रहा हूँ क्योंकि मन नहीं भरा है। आप लोगों का मन भर गया तो आप नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना आपको कैसा लगा ये सॉन्ग। मिलते अगली वीडियो में।